डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। यही कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं की बैठक है उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं, जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे, क्योंकि पार्टी रोज कमज़ोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है, इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। सीएम का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, अभी सीएम से पूछें इसको कैसे लेते हैं। देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। अरे लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में रोज बात होती है, अभी कोई नई बात नहीं। सर, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बोला है कि नीतीश कुमार अधिकारी भ्रष्टाचारी और गुंडों की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। कैमूर में फिर से हमला बोला है। देखिए, तो उनको तो बात करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी शामिल है इस सरकार में, तो जिस तरह की बात बोल रहे हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से, सीधे नीतीश को आरोप लगाने उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें शेयर उनका भी है। चलिए चलिए, अरे भाई किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है, पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। तो यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है, लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का आठवां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथी बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है।